के फॉलिक एसिड को छोड़कर शरीर में कोई भी विटामिन नहीं बनता और बाकी के सभी विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त करने होते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ये हमारी जो ये पॉइंट है इसके हिसाब से क्या है कि हमारी बॉडी में एक फॉलिक एसिड और विटामिन के जो हमारे इंटेस्टाइन बनाते हैं, इसके अलावा कुछ भी विटामिन्स नहीं बनते। अभी सर की परसों ही यूट्यूब की जो थी, अगर आप लोगों में से किसी ने देखी हो कि बॉडी में विटामिन्स का रोल, किसी ने देखी नहीं? देखी नहीं। हाँ, कि विटामिन्स का क्या रोल है बॉडी में, कैसे बॉडी के हर फंक्शन को, जैसे हमारी बॉडी में 9 सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम के फंक्शन के लिए किस किस चीज़ की क्या क्या जरूरत है, उसमें हमारे जो विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं बहुत रोल प्ले करते हैं। वो सर की वो वाली वीडियो देखना बहुत अच्छी है, उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो बाकी सारी चीज़ें हमें क्या है खाने से ही लेनी पड़ती हैं। खाने में भी आप ये कहो कि सप्लीमेंट से लें, सप्लीमेंट से क्या होता है कि ब्लड में तो आपके उस टाइम, जैसे अगर मान लो आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है या कोई भी कैल्शियम कम है, कैल्शियम के पाउच ले लो, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं क्या कैल्शियम रॉड के ना पाउच ले लो, या विटामिन डी की टेबलेट आती है वो ले लो कुछ टाइम के लिए, तो आपके ब्लड में उसको पूरा कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। बट बोन्स को और बॉडी को क्या चाहिए, एक अपनी चीज़, नेचुरल चीज़, अपनी बनाई हुई चीज़, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमें खाने से मिलती है। तो अब खाने में हम खा रहे हैं, पर वो भी हमारी बॉडी भी उस चीज़ को तब एब्जॉर्ब करेगी ना जब हमारा डाइजेशन ठीक हो। हमने खा तो सब कुछ लिया, बट वो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया। अब हमने कैल्शियम की चीज़ें खा रहे हैं या हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ही खा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही। अब वो क्या होगा, कुछ टाइम तक तो ब्लड में घूम रहा है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो यूरिन के थ्रू निकल गया कैल्शियम, नहीं हुआ तो या तो फिर वो किडनी में धीरे धीरे स्टोन होना, किडनी स्टोन हो जाती है, या फिर स्पर की प्रॉब्लम जिसमें बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई, मोस्टली स्पर, जैसे पैर की एड़ी में दर्द होता है तो डॉक्टर बोलते हैं ना स्पर की प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि वहाँ कैल्शियम जो हमारा गिट्टा होता है, जो जॉइंट होता है, वहाँ पर वो कैल्शियम के पार्टिकल्स जमने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको स्पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रही, कुछ निकल गया, कुछ कहीं इधर उधर जहाँ जिसको जगह मिली वो जमना शुरू हो गया, है ना। तो वो इसके लिए क्या है, वही डाइजेशन का ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब डाइजेशन पे तो हमारी न्यूरोथेरेपी की वैसे ही बहुत अच्छी पकड़ है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कहो कि खाने में जो हमने लिया वो हमारे को प्रॉपर एब्जॉर्ब हो, उसके लिए वही चीज़ आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो। अगर ठीक है बहुत बढ़िया, नहीं ठीक है तो मैं हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट को बहुत अच्छे से ठीक कर।